नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। आप करे तो सरकारी जुर्म और खुद करे तो अदा ठहरी, जनाब कुछ ऐसा ही आलम हमारे देश की सियासी पार्टियों का है, जिनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तभी तो कांग्रेस भी मोदी सरकार की इस अहम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का जमकर विरोध कर रही है और आरोप लगा रही है कि कोविड काल में जब लोगों का इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, वहां पीएम मोदी अपने लिए आलीशान आवास बनाने पर आमदा हैं। लेकिन भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद कटघरे में खड़ी है। दरअसल राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ज्योति नगर में राजस्थान विधानसभा के पास विधायकों के लिए 160 लग्जरी फ्लैट बनवा रही है। सूबे के विधायकों का इन फ्लैटों का निर्माण कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 20 मई को शुरू किया गया है और अब भाजपा ने अब इस पूरे मामले पर गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर ज्ञान देने वाली कांग्रेस आज खुद 266 करोड़ खर्च कर अपने विधायकों के लिए आवास बना रही है। यह कैसी राजनीति है, यह अलग बात है कि 11.5 लाख वैक्सीन डोज बर्बाद करके गहलोत का मिसमैनेजमेंट मॉडल पूरी दुनिया में छा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा का कहना है कि नियम कायदों के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को उम्मीद है कि प्रोजेक्ट का काम समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा यह फ्लैट 3200 वर्ग फीट और 4 बेडरूम का है। अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। गहलोत सरकार के खजाने पर करीब 266 करोड़ रुपए का भार आएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 176 फ्लैट का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 160 फ्लैट निर्माण की ही स्वीकृति दी है। यह प्रोजेक्ट 30 माह में पूरा होना है। बहरहाल खुद कांग्रेस कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रही है और बार बार कटघरे में खड़ा कर रही है। राहुल गांधी ने पिछले महीनों ही इसे आपराधिक कृत्य बताया था, फिर आगामी दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है क्योंकि भाजपा इस मामले को तूल देने में फिलहाल कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। नमस्कार।